शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला ने एक ज़ाहरी चीज़ों की खूबसूरती बदसूरती है वो इंसान उसकी तरफ खींचता है और जो खौफनाक शक्लें हैं उनसे वो बचता है। इसी तरह रवैयों की खूबसूरती और बदसूरती जो जाकर एहसासात के ऊपर असरअंदाज होती है, वो नज़र तो नहीं आते हैं, वो महसूस होते हैं। तो खूबसूरत रवैये ये जिंदगी को खूबसूरत बनाते हैं और बदसूरत रवैये ये जिंदगी को बदसूरत बनाते हैं। और ये जो बाहर की खूबसूरती है इसके साथ रवैये भी खूबसूरत हों तो दुनिया में अल्लाह जन्नत का मजा चखा देता है। बाहर की खूबसूरती के साथ रवैये बदसूरत हों तो सारा कुछ तारीफ हो जाता है। बहुत खूबसूरत घर है, बीवी की जबान सख्त है, खामिन से बदतमीज है, सारा हुस्न गायब हो जाएगा। घर बहुत आलीशान है, खामिन की जबान बदतमीज है, उसकी तबीयत में गुस्सा है, बार बार वो बेइज्जत करता है, टोकता है, बुरा भला कहता है, तो औरत को सारा घर जहन्नुम नजर आएगा। माँ बाप औलाद को सोने चांदी में तोल दें लेकिन हर वक्त टोकते रहें, हर वक्त उनको डांटते रहें, मारते रहें, तो औलाद को घर कैद खाना नजर आता है कि वह हर वक्त ताने ही देते रहते हैं। ऐसे ही औलाद के रवैये गंदे हों तो वालदैन को सारी जिंदगी अपनी सिफर नजर आती। दुनिया की जो बदसूरती है ना, वो रवैयों की खूबसूरती उस कमी को दूर कर देती। अखलाक बुरे हों, रवैये गलत हों, तो इस बदसूरती को दुनिया की खूबसूरती दूर नहीं कर सकती। टूटा फूटा घर है लेकिन खामिंद को भी इज्जत देने का तरीका आता है और बीवी को भी इज्जत देने का तरीका आता है, औलाद को भी इज्जत देते हैं वो, औलाद माँ बाप को इज्जत देते हैं, तो उस कच्चे घर में भी उनको मजा आएगा। वो बड़े घर में तो भी उनको जिंदगी खूबसूरत लगेगी, लेकिन बहुत खूबसूरत घरों में रवैये गलत हैं। बहुत पुरानी बात है, 90s के राउंड अबाउट एक बहुत बड़े घर में मैं गया तो वो घर का मालिक बैठा था अपने बेडरूम में, तो वो मुझे कह रहा था ये घर मुझे खाने को आता है, मुझे काटने को आता है, और मैं उस पे रश्क कर रहा हूँ कि क्या आलीशान घर है, क्या खूबसूरत बेडरूम है, कैसा आलीशान ड्राइंग रूम है, और वो साहिब खाना मुझे कह रहा है ये घर मुझे खाता है, मुझे काटने को आता है। किस चीज की कमी थी? रवैयों की। सारी खूबसूरती को किसने बदसूरत बना दिया? रवैये, अखलाक। तो इंसान चूंकि एक जिंदा मखलूक है और एहसासात रखता है, एहसासात को सबसे ज्यादा जो चीज परवान चढ़ाती है वो मुस्बत रवैये, वो खूबसूरत बोल हैं, झुक जाना, वो माफ करना है, और इंसान को सबसे ज्यादा जो चीज गिरा देती है उस सारी जिंदगी के हुस्न और जमाल को छीन लेती है वो गलत रवैये हैं, गलत अखलाक हैं, बदतमीजी है, बद अखलाकी है, जो अगले को भी नजरों से गिरा देती है जो बद अखलाक है, और जिसके साथ बीत रही वो भी अपने आप को कहता है इससे तो बेहतर था मैं मरी जाता तो अच्छा था। इसलिए मेरे नबी का फरमान है इन अल्लाह या आयशा इन अल्लाह देने वाला तो अल्लाह है। नबी फरमा रहे हैं कि आयशा अल्लाह जो नरमी पे देता है वो सख्ती पे नहीं देता। आखिर में आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा सदका जारिया के तौर पर शेयर करें। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। आमीन।